The height of 50 student measure to the nearest centimeter have been found to be as follows, and represent the data give above by group frequency distribution table. ठीक है, अब आप frequency distribution table में जब interval use कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे हम, group frequency distribution table. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इंटरवल यूज करने हैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, 160 से 165 यानी 55 के इंटरवल लेकर चल रहे हैं. तो 160 से 165. अच्छा, ये हमें थोड़ा आइडिया देता है कि केवल इंटरवल 55 का लेना है, अदरवाइज आपको इंटरवल तो इससे कम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 150 की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो इसलिए हम 150 से स्टार्ट करेंगे, 150 से 155, फिर 155 से 160, 55 का इंटरवल, वहाँ पर आइडिया लग गया हमें, 55 का इंटरवल लेकर चलना. ठीक है, और फिर 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175. कहाँ तक लेना है सबसे बड़ा नंबर? 172 सबसे बड़ा नंबर है, तो 175 के अंदर आ जाएगा. तो केवल इतना हमें चाहिए क्लास इंटरवल. ठीक है, सबसे पहले तो आप यही करोगे, ये आप सबसे पहले क्लास इंटरवल तैयार करोगे, क्लास इंटरवल. ठीक है, और साथ में तैयार कर लेना उनके टैली मार्क्स, या टैली मार्क्स ना भी करना चाहो दैट इज ओके, और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी में ये इस डेटा के इस इंटरवल के बीच में जितने नंबर हैं वो फ्रीक्वेंसी में आप लिखते जाओ. तो 150 से 155 के बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से डेटा को देखते जाओ. इसमें 150 से 155 के लिए 155 काउंट नहीं होगा, उससे नीचे के नंबर लिए जाएंगे. ठीक है, 155 से कम वाले नंबर आपको कितने मिले हैं, 12. तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ डायरेक्टली 5 और ये कितना, 12. नेक्स्ट 155 से 160 ही बताओ, 155 से 160. तो जब आप देखोगे तो 160 से कम होने चाहिए और 155 के इक्वल या उससे बड़े. तो जब आप इनको काउंट करोगे तो कितना मिल रहा है, 155 से 160 के लिए कितने, 9 मिल रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने काउंट नहीं किए बट आप लोग काउंट करते जाना. ठीक है, 9. नेक्स्ट बोलो, 160 से 165 वाले काउंट करके बताओ कितने कितने हैं. पर काउंट करना आसान है, डेटा की तरफ देखते जाओ और 160 से 165 के लिए यहाँ पर लाइनें बनाते जाओ. नेक्स्ट 14 मिल रहे हैं, चेक कर लो 14. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 14, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 165 से 170 कितने, ये आपको मिलने चाहिए 10. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, ये 10. और 170 से 175 वाले काउंट कर लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं. 170 उसमें काउंट हो रहा होगा, ये ध्यान रखना. ठीक है, 170 से 175 के लिए जैसे एक ये हो गया, 170 हो गया, 175 काउंट नहीं होगा इसमें, 172. और देखते हैं, और हमें डेटा में 171 मिल रहा है. ठीक है, और कोई डेटा मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 5 हो गए. ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको केयरफुली देखना है. ठीक है, और फिर इसके बाद इनका सम कराना है. इनका जब सम कराओगे तो 50 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा डेटा में सारे हमने नंबर काउंट कर लिए, कोई बचा हुआ नहीं है. अगर कोई रह जाएगा तो उसमें ये नंबर कम आएगा. ठीक है ना, तो सारे इसमें काउंट हो चुके हैं और हमारा आंसर ठीक आ रहा है. अब इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से आपको क्या करना होगा, कुछ आंसर करने होंगे. ठीक है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल. टेबल में से आप देखकर
हाइट के बारे में क्या कंक्लूड कर रहे हो, ये हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आंसर है हाँ ठीक है। एक आपने, एक तो ये आपने देखा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनकी हाइट 160 से 165 के बीच में, ये एक कॉमन हाइट मिल रही है ज़्यादातर। वैसे तो 12 वाले 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है ये, ठीक है। और बहुत कम जो मिल रही है वो 170 से 175 वाले स्टूडेंट है ना, इस सेंटीमीटर के बीच में 5 स्टूडेंट ही हैं केवल। ये डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा टोटल 50 में से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट से भी ज़्यादा हैं ये, है ना। देखो कितना हो गया ये 12 और 14, कितना 26 और 9, ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट हो गए। 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है 35 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप एक आंसर दे सकते हो कि मोर देन 50% स्टूडेंट। देखो टोटल 50 हैं, 50 का आधा कितना होता है 25 से भी ज़्यादा, यानी 50% से भी ज़्यादा, मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। ऑफ अ सर्टेन सिटी द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज। तो एक सिटी में एयर में सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसका डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। और 30 डेज का डेटा है ये। आपको क्या करना है, एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है जिसमें आपको क्लास इंटरवल ये लेकर चलना है, ठीक है। तो ओके, ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग है, क्लास इंटरवल की बातें करनी है। क्लास इंटरवल नहीं होता तो सिंपली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, लेकिन क्लास इंटरवल के साथ डेटा बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ओके, उस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इंटरवल की बातें करेंगे। इंटरवल जो हमें लेकर चलने हैं वो इस तरह की रेंज में लेकर चलने हैं, 0.00 से 0.04, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 0.04 से 0.08, 0.04 का डिफरेंस होगा सब में, ठीक है। फिर इसके बाद 0.08 से 0.12, ठीक है। अब हमें कहाँ तक चाहिए, 24 तक चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.20, और फिर इसके बाद 0.20 से 0.24, 24 भी है यहाँ पर कहीं, 22 है ना, हाँ मतलब 22 है ना, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल हो गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंटरवल में कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टैली मार्क्स आप लिखना चाहो तो यहाँ पर साथ में टैली मार्क्स लिख सकते हो, और फिर साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0.0 से 0.04 तक के हमें लेकर चलने हैं, ठीक है। तो 0.00 से 0.04 वाले देखते हैं, तो पहला ये मिल जाता है एक, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे आप देखते जाओगे, 0.04 काउंट नहीं होगा ये ध्यान रखना, ये मिल जाएगा आपको, दो हो गए। फिर इसके बाद आपको और कहीं मिला, इसके बाद 0.01 मिल गया, और फिर इसके बाद आपको 0.01 मिल गया। तो टोटल कितने मिले, कितने मिल गए, फोर। तो वो फ्रिक्वेंसी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, फोर मिल जाएंगे, ठीक है। इस जैसे मैंने ये निकाला था, इसी तरह से आप बाकी के अदर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने किया हुआ है, अगर इसको आप इस तरह से निकालोगे तो बताइए, डायरेक्टली मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, 0.08 से 0.12 कितना आएगा, सॉरी ये पहले ये वाला बताऊँ, 0.04 से 0.08 9, ठीक है, मैं यहाँ 9 लिख रहा हूँ। इसके बाद ये वाला भी जब बच्चे सर्च करेंगे तो 9, फिर इसके बाद और फिर 4 और फिर 2, ठीक है।
ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है जिससे कि टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम ना हो फालतू, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सर्च किया था इसी तरह से 0.04 से 0.08 वाले देखने हैं, तो इसमें 0.08 वाले काउंट नहीं होंगे, उससे कम वाले काउंट होंगे, ठीक है। मतलब 0.04 वाले सारे काउंट हो जाएंगे, है ना, 0.05, 0.06, 0.07 ये काउंट होगा, ठीक है। तो वो ना आप काउंट करोगे तो इस डेटा में से आपको 9 मिल जाएंगे, ऐसी नेक्स्ट आपको ढूंढना है, फिर ये सारा आपके पास नंबर आ जाएगा। अब ये जो नंबर आएगा, इस नंबर का आपको सम करके देख लेना है। इस नंबर का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ डेज के इक्वल आना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ है, कोई नंबर मिस नहीं हुआ है, हमने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। तो आप इनका जब सम करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 30। इसका मतलब सारे नंबर काउंट कर लिए गए, ठीक है। अब ये जो आपने ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई है, इसके बेसिस पर आपको कुछ आंसर करने हैं। तो मे का ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल वो बन गई। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, 0.11 से ज़्यादा, तो कितना मिला, 0.11 से ज़्यादा, तो 0.12 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, तो 0.12 से ज़्यादा वाले ये आपके तीन हैं, या मैं कहूँ 0.11 तो इस इंटरवल में आया होगा ना, तो 0.11 से ये सारे के सारे ज़्यादा वाले हैं, तो इन सब को काउंट कर लो, कितने हो गए, 8। तो नंबर ऑफ डेज इन विच कंसंट्रेशन मोर देन 0.11, कितने डेज मिले, 8 डेज, 0.11 से ज्यादा वाले ये सारे डेज हैं, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा, तो ये आसान है इसको करना, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह का डेटा गिवन है, 3 कॉइन्स वर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज, प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा गिवन। ओके, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। हमने 3 बार टॉस किया, 3 बार जब हम टॉस करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर बच्चों ऐसा हो सकता है जैसे तीनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहले पर हेड आ जाए बाकी पर टेल आ जाए, इस तरह से जब हम देखते हैं तो 3 बार हेड आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, या 1 भी बार ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है 1 ही बार हेड ना आए, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ऐसा हो रहा हो तो उसमें 2 बार आ रहा हो, तो यानी कि 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, है ना, तो मैक्सिमम 3 आ सकते हैं 3 टॉस में। तो ये वो नंबर हैं जो काउंट किए गए, कि जब हमने टॉस किया गया 30 बार, 3 टाइम टॉस किया, तब जो हेड आए उनकी ये डेटा हमने लिख लिया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी टेबल जब आप बनाओगे तो उसमें 0 किस किस के लिए बनाओगे, 0, 1, 2 और 3, ठीक है, और इनकी यहाँ पर लिखोगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड, ठीक है, 0 कितनी बार आया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 0 मिला आपको 6 टाइम, ठीक है। अच्छा 1 कितनी बार, 10, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ डायरेक्टली 10, 2 आपको मिला 9, और 3 ऐसे काउंट कर लो 1, देखो जैसे यहाँ पर पहली वाली लाइन में 1, 2, 3 और 4 और 5, तो 3 हमें मिला 5 टाइम, 3 बार 3 हेड आने, 3 हेड 30 में से कितनी बार आया है, ठीक है। तो अब इनका सम भी कितना होना चाहिए, 30, इनका सम 30 आ रहा है, इसका मतलब सारे नंबर काउंट कर लिए गए हैं। ये जो आपके सामने बन के तैयार हुई है, बताओ इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, आसान है ये बिल्कुल बनाना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके आंसर भी हमें कुछ करने हैं क्या? नहीं, आंसर सिक्स में कुछ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर देनी है, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन, 50 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट हैं? 50, ठीक है। यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं हम कि जो नंबर ऑफ डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल कितनी है? 50, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है 0 से 9 तक के लिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर को काउंट करना है, 0 से 9 तक आपको डिजिट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिजिट लिख लो 0, 1, 2, 3, इसमें इंटरवल में नहीं बनाना है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, डिजिट की उनकी फ्रिक्वेंसी देखनी है, 0 कितनी बार आ रहा है या 1 कितनी बार आ रहा है। तो जैसे मैं सबसे पहले 0 को देखता हूँ, ध्यान रखना हमें देखना कहाँ से है, पॉइंट के बाद से, इस वाले 3 को नहीं देखना है, इस पॉइंट के बाद से देखना स्टार्ट करना है। तो जब मैं 0 देख रहा हूँ तो 1 और 2 मिले मुझे, 0 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम। अब 1 देखो, तो देखो 1 यहाँ से देखना, ये वाला ध्यान रखना, ये 3 तो काउंट ही नहीं करना है, 1, 2, 3, 4, 5 मिले आपको, ठीक है। सिमिलरली 2 देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 मिल गया हमें, 5 टाइम। इसी तरह से 3 ढूंढ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मुझे तो 7 मिल रहे हैं, कौन सा ढूंढ रहा हूँ मैं, 3 ढूंढ रहा हूँ ना, 7, 8 मिल रहे हैं, ठीक है, 8 मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद 4, 1, 2, 3 और 4, 4 आ रहा है, 4 टाइम, 8 और 9, 8, ठीक है। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 50, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 50, तो इनका सम 50 देख लेना कि आना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 9 तक डिजिट की फ्रिक्वेंसी देखनी है, कौन कितनी बार आता है पाई की इस वैल्यू में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट ही देखनी है, ये 3 नहीं देखना है आगे वाला, ठीक है। जब आपके पास ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना लोगे तो इसमें से आपको कुछ आंसर करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या आंसर करने हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। आपको बताना है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग डिजिट, मोस्ट अकरिंग कौन कौन सी हैं, 5, 8, 8, देखो 8 टाइम्स आ रहा है 9 और 8 टाइम्स आ रहा है 3, तो मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन कौन सी हैं, 3 एंड 9, दोनों ही बताओगे क्योंकि दोनों सेम नंबर रख रही हैं ना, 3 भी 8 बार आ रहा है और 9 भी 8 बार आ रहा है। अच्छा, लीस्ट अकरिंग सबसे कम इनमें से कौन सा वाला आ रहा है, 0, तो सबसे कम आ रही है डिजिट 0 और सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वहाँ पर 3 एंड 9, 8 8 टाइम्स, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक, द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलो। तो ये कुछ जो चिल्ड्रन से एक सर्वे किया गया कि उन्होंने प्रीवियस वीक में कितने कितने आर टीवी प्रोग्राम देखे, तो ये डेटा हमें मिला। अब हमें इसकी एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है।
और 5-5 का विड्थ का इंटरवल लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरवल की बातें कर लेते हैं। इंटरवल आपको जो लेकर चलने हैं वो 5-5 के लेकर चलने हैं, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से, ठीक है बच्चों। आपको 5-5 के इंटरवल में आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, ओके। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जो 0 से 5 आर के बीच में देख रहे हैं, तो वो हमें काउंट करनी है। तो इसमें 5 काउंट नहीं होगा, 0, 1, 2, 3, 4 केवल ये सारे काउंट होंगे। तो जैसे अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4, फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8 और इसके बाद 9, 10, ठीक है, और तो कोई नहीं है। तो 0 से 5 वाले कितने हो गए, 10। इसके बाद 5 से लेकर 10 आर तक कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो देख रहे हैं, कितने हैं, 13, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर इसी तरह से 10 से 15 के लिए चेक करो, कितने मिल रहे हैं, फिर 10 से 15 के लिए चेक कर लो, 10 से 15, देखो 10 से 15 में 15 काउंट नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, 14 काउंट होगा। तो 12 काउंट होगा एक, फिर इसके बाद 10 काउंट होगा 12, और 15 काउंट नहीं होगा, और इसके बाद 14 और 12 काउंट होगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1, 2 और 3, 4, 5 मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब 15 से 20 में 20 काउंट नहीं होगा, 15, 16, 17, 18, 19 कितने मिल रहे हैं आपको, 2, ठीक है। अब इन सब का सम कराओ आप, तो 5 और 2 7 और ये कितना हो गया, 20 और 10 कितना आ गया, 30। तो इतने लोगों पर, 30 चिल्ड्रंस पर सर्वे किया गया, ये 30 निकल कर आ गया है? अब ये जब आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लोगे तो फिर इसके बाद इसी से आप आंसर कर सकते हो बड़े आसानी से। उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आर अ वीक, 15 से ज़्यादा घंटे के लिए वो टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो 15 से ज़्यादा वाले यही हैं बस, केवल 15 से ज़्यादा, 15 और 15 से ज़्यादा केवल एक ही क्लास इंटरवल है, तो यही हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है ना, 15 और 15 से ज़्यादा वाले केवल इसी इंटरवल में तो आ रहे होंगे, है ना। तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 2, ये वो चिल्ड्रन हैं जो 15 आर या उससे ज़्यादा टाइम तक टीवी प्रोग्राम उन्होंने देखा लास्ट वीक में, ठीक है। पढ़ रहा हूँ, कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप जिनकी लाइफ दी हुई है 40 ईयर में दे रखी हैं, 40 बैटरी की लाइफ है ना, जैसे 2.6 ईयर चलती है कोई बैटरी, या 3 ईयर या 3.7 ईयर इस तरह से, तो ये 40 बैटरी की लाइफ दे रखी हैं, ठीक है। और आपको जो क्लास इंटरवल लेना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए वो 0.5 साइज का लेकर चलना है, 0.5 साइज का एग्जांपल के लिए जैसे 2 आपने पहला लिया है तो दूसरा 2.05 ज़्यादा होगा उससे, यानी 2.5 इस तरह से आपको लेकर चलना है। तो हमारा जो डेटा है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से कितना, 2.5, फिर 2.5 आपने यहाँ लिया तो इससे 0.5 ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, 3, फिर इसके बाद 3 से 3.5 और 3.5 से कितना, 0.5 ज़्यादा करोगे तो 4, और फिर इसके बाद 4.40 से 4.5 तक, यहीं तक चाहिए होगा हमें, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करो, अच्छा इससे ज़्यादा भी चाहिए होगा तो हम एक इंटरवल और बना लेते हैं, 4.5 से 5.0 तक, ठीक है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट करते जाना है इस इंटरवल के लिए, आपको यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब
कितनी बैटरी ऐसी है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है उसका मतलब नंबर ऑफ बैटरी है, ध्यान रखोगे नंबर ऑफ बैटरी, और इंटरवल में यहाँ पर जो लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, उनकी लाइफ, लाइफ इन ईयर्स, ठीक है। अच्छा 2 से 2.5 ईयर की लाइफ कितनी बैटरीज की है, 2 से 2.5 वाली। तो देखो 2 से 2.5 वाले में 2.5 काउंट नहीं होगा, उससे कम वाले सारे होंगे, ठीक है। तो ओके, तो देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, एक तो 2.2 मिल रहा है और 2.3 मिल रहा है, इसके बाद आपको कहीं पर भी और नहीं मिला, ठीक है। तो ये कितने मिले, 2, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अच्छा 2.5 से 3 के बीच के लिए, तो 3 काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना, जैसे कि 2.6 काउंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2.5 से ग्रेटर होना चाहिए, 2.5 या 2.5 से ग्रेटर, 2.5 काउंट होगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते जाइए, 2.6 काउंट होगा बस, और अच्छा 2.9 भी है, है ना, और भी है ऊपर 2.9 कहीं, 2.9 यहाँ पर, अच्छा ये भी है। तो 2.5 से 3 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सर्च कर लिए, फिर इसके बाद 3 से 3.5, टू पॉइंट एट भी है यहाँ पर, 2.2 तो इसमें आएगा ना। तो यहाँ पर टोटल कितने मिल रहे हैं आपको, 6, ठीक है 6 नोट कर लो। अब देखो 3 से 3.5 में ध्यान रखना 3 काउंट होगा, 3.1, 3.2, 3.3 और 3 से 3.5 में ये वाले नंबर काउंट होंगे जहाँ भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करो, 3 वाले, जैसे कि 3.0 हो गया, है ना, 3.2 हो गया, और 3.5 नहीं लिया जाएगा, फिर इसके बाद 3.2 हो गया, 3.4 हो गया, 3.2, फिर इसके बाद 3.4, 3.3 और अच्छा 3.0 भी लिया जाएगा, 3.2, 3.2, 3.1, 3.4, ठीक है। कितने बन रहे, और कोई रह गया, ये वाला आटो रह गया, ये ठीक है, सारे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कितने मिलेंगे, और 4 से 4.5 कितना आ रहा है, 4, और नेक्स्ट 3। अब इनको काउंट करते हैं, 2 और 6, 8 और 14, 22 हो गया, 22 ये हो गया, और 11 कितना हो गया, 33 और 7, 40, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बेसिस पर आप तो क्या करोगे, आंसर कुछ करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे यही फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान वाली है आपकी, आपको इंटरवल बता देगा, वो इंटरवल लिख लो, ठीक है, और उनकी फ्रिक्वेंसी बस देखते जाओ केयरफुली, और फिर यहाँ पर नोट कर ले, फिर इसके बाद लास्ट में इन सब का सम करा के ये वेरीफाई कर लो कि हमारा, हमने कोई नंबर ऐसे तो नहीं कम, जैसे मान लो आपने यहाँ 11 की जगह मान लो 10 लिखा होगा, तो आपका आंसर 40 नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें ये पक्का तरीका नहीं है वेरीफाई करने का, यहाँ 10 आ रहा हो और यहाँ 5 लिख लिया हो तब भी तो आंसर 40 आएगा, हाँ या ना, तो ये पक्का तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है मतलब वेरीफाई करने का, हाँ ठीक है ना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।